हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम इन एडवांस एक्सेल कोर्स। गाइस, आज के सेशन में हम चूज़ के फार्मूले को पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत बेसिक फार्मूला है। वैसे आप भी कह रहे होंगे कि ये साहब तो सिर्फ फार्मूलाज ही पढ़ाए जा रहे हैं एक्सेल में। फ्रेंड्स, बेसिकली अगर आपको एडवांस लेवल तक जाना है तो आपको बेसिक जो है वो सीखना पड़ता है, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले मैं आपको ये सिंपल जो बेसिक फार्मूलाज है वो पढ़ा दूँ, जितने भी एक्सेल के फार्मूलाज है वो आपको पढ़ा दूँ। एक्चुअली सारे फार्मूलाज हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक्सेल के इतने फार्मूलाज हैं कि वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो जो बेसिक और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, जो आगे के ऑलमोस्ट हर शीट में और हर वर्कबुक में यूज़ होते हैं, हर प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं, तो वो मैं आपको पहले पढ़ा दूंगा। उसके बाद फिर हम नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और वर्कबुक बनाएंगे, शीट्स बनाएंगे और बहुत से नए नए फार्मूलाज बनाएंगे। मैं लाइव करके दिखाऊंगा आप सबको कि किस तरह फार्मूला बनाया जाता है नया। तो उसके लिए हमें बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये बेसिक कुछ फार्मूलाज जो हैं वो सीखेंगे, उसके बाद जो है एडवांस का जो एक्सेल है वो हम शुरू कर देंगे। तो आज के इस फार्मूले में हम चूज़ के फार्मूले को पढ़ने जा रहे हैं। और चूज़ का मतलब, जैसे कि आपको पता है कि सिलेक्शन, तो ये फार्मूले का फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली पिक करता है किसी ऑप्शन की लिस्ट से कुछ पिक करता है, और पिक करने के बाद कुछ टेक्स्ट या नंबर जो भी आप असाइन करें वो शो करा देता है। अब वो शो कैसे कराएगा? वो शो किसी इंडेक्स नंबर के थ्रू कराएगा। तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका काम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, मैंने यहाँ पर एक दफ़ा ये सॉल्व किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ, अगर तो मैं इसके लिए इजिकल टू लिखूँगा और ये मैंने चूज़ का फार्मूला लिखा, इसको आपने एडिट कर लेना है। फिर देखिए, सेंटेक्स आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये लिखा हुआ है सबसे पहले इंडेक्स नंबर, मीन्स कि हमने सबसे पहले इंडेक्स नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अभी इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक नंबर होगा जो इस लिस्ट से ये पिक करेगा। चूज़ का फार्मूला जो है, ये इस पूरे इंडेक्स से एक नंबर पिक करेगा और उसके बाद वो आउटपुट शो करेगा जो हम चाहते हैं या फिर जो हम असाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले कॉमा प्रेस करूँगा। पहले मैं आपको इसका एक्चुअल काम बता देता हूँ, इसका मैं यूज़ अभी बताने वाला हूँ आपको। इसके बहुत सारे यूज़ हैं, तो आप जब फार्मूला सीख लेंगे तो आप इसके बहुत से यूज़ बना सकते हैं खुद से भी। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3। मैक्सिमम ये एक आइटम्स होते हैं जो हम ऐड करते हैं, तो मैक्सिमम आप ऑलमोस्ट 29 आइटम जो है वो आप ऐड करवा सकते हैं पॉसिबली। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर दे दिया और अब हम वैल्यू 1 देंगे। अब वैल्यू 1 का मतलब क्या है? वैल्यू 1 का मतलब ये है कि पहले मैं दे देता हूँ, सपोज कीजिए मैं अगर यहाँ पर एक नाम दे दूँ, जॉन। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखें तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया करें। अगर आप नंबर लिखते हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप टेक्स्ट लिखें तो उसके लिए ज़रूर लिखा करें, वरना एरर जो है वो आ सकता है। इन्वर्टेड कॉमास मैंने क्लोज किए, तो अब मैं कॉमा प्रेस करता हूँ। ये देखें, वैल्यू 2 जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें आप जितने भी वैल्यू आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, पर आपको नंबर भी उतने ही लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट 3 नंबर हैं। ये देखें, हर नंबर में देखें 1, 3, 2, 3, 1, 3, तो इस तरह 1 से लेकर 3 तक ही नंबर आ रहे हैं। तो इसके मैं 3 वैल्यूज ही लिखूँगा यहाँ पर, या 3 आइटम्स ही ऐड करूँगा। तो सेकंड पे मैं लिख देता हूँ बॉब, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए। एक और कॉमा प्रेस करता हूँ, ये देखिए वैल्यू 3 हाईलाइट हो गया। फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन किए, क्योंकि मैं अभी तक टेक्स्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ विलियम्स, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए और ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए। तो ये देखिए, अब हमने ये जो फार्मूला बनाया है इसका काम क्या है? ये पहले इस इंडेक्स नंबर जो ये हमने दिया है, ये इसमें चेक करेगा कि पहले नंबर पर जो पहला नंबर है वो कौन सा है। जैसे ही पहला नंबर आएगा तो ये जॉन शो कर देगा, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशन दी है कि अगर पहला नंबर आए तो ये जॉन शो करे, दूसरा आए तो बॉब, इसी तरह जो सबसे लास्ट में होगा वो 3 होगा, तो 3 आए तो विलियम। अगर मैं इंटर करूँ तो ये देखें, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जॉन आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, ये देखें, यहाँ पर विलियम लिखा हुआ है 2, क्योंकि यहाँ पर 3 है। और विलियम क्यों आया? क्योंकि हमने 3 वैल्यू में ये असाइन करवाया था कि जब इस इंडेक्स वैल्यू में 3 आ जाए तो यहाँ पर विलियम लिखा हुआ आ जाए। क्योंकि चूज़ का फार्मूला का काम यही है कि ये पिक करता है, उस ऑप्शन की लिस्ट में से ये कुछ पिक कर लेगा और पिक करने के बाद वो रिजल्ट शो करेगा जो हम असाइन करेंगे। तो वो क्यों करेगा? क्योंकि वो हमने नंबर दिया हुआ है। तो ये देखें, इसको मैं अगर आप थोड़ा सा और ड्रैग करूँ, ये देखें यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर ये जॉन शो कर देगा। ये देखें, इसी तरह यहाँ पर ये 3 में यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ विलियम शो कर देगा। तो सपोज़ कीजिए अगर यहाँ पर 1, 2, 3 से ज़्यादा कोई नंबर है, अगर यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ,
तो यहाँ पर एरर आएगा। देखें ये देखें, यहाँ पर मैंने पहले से ड्रैग किया हो तो यहाँ पर एरर आ गया। अब मैं इसको एक और ड्रैग करता हूँ और मगर यहाँ पर कोई भी नंबर लिखूँगा तो एरर ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही आइटम्स दिए हुए हैं। अगर मैं चौथा आइटम दूंगा तभी ये उसका रिजल्ट शो करेगा, क्योंकि ये पिक करता है हमारी मर्ज़ी से। हम जो आइटम्स को देंगे ये उसके थ्रू पिक करेगा। सपोज़ कीजिए 4 नंबर को मैं कोई आइटम दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, जैसे बॉल, जैसे एलन दे देता हूँ। मैंने इंटर किया, ये देखें 4 को मैंने एलन दिया था, यहाँ पर 4 नंबर आया तो उसने ये देखें 4 का रिजल्ट शो करा दिया। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो पिक करवा सकते हैं नंबर्स के थ्रू। तो चूज़ के फार्मूला का जो बेसिक काम है वो ये है। अब मैं इसका एक यूज़ बताता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए इसके बहुत सारे यूज़ हैं। इससे आप किसी भी स्कूल में आप सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं, आप रिवॉर्ड दे सकते हैं बच्चों को इसके फार्मूले के थ्रू, आप विनर अनाउंस कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू। आप सपोज़ कीजिए यहाँ पर कुछ पोजीशन हैं, यहाँ पर मैं सपोज़ कीजिए ये एम्प्लॉयज़ हैं और ये उनकी पोजीशन हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे उनकी पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सैलरी में कुछ परसेंट सैलरी जो है वो ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पर इसको एक ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से सॉल्व किया हुआ है, फिर भी आपके सामने ये देखिए कर देता हूँ। यहाँ पर इक्वल टू लिखा और मैं चूज़ का फार्मूले का एक यूज़ बता रहा हूँ आपको, और इसको आप लॉजिकल फार्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे यूजेज हैं। यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर दिया और यहाँ पर मैंने कोमा प्रेस किया। मैं वैल्यू दे देता हूँ कि अगर यहाँ पर नंबर 1 आया, मतलब वो एम्प्लॉय आया जिसका जो पोजीशन है वो 1 है, तो उसको आप 20% उसकी सैलरी आप इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया क्योंकि ये नंबर है, अगर मैं टेक्स्ट लिखता तो इन्वर्टेड कोमा लगाता। तो इसी तरह मैं कोमा और प्रेस करता हूँ, देखें वैल्यू 2 हाईलाइट हो गया। तो अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैंने ये कंडीशन देनी है कि अगर यहाँ पर 1 नहीं 2 आया, सेकेंड पोजिशन का कोई एम्प्लॉय आया, तो उसके लिए आपने जस्ट 15% सैलरी जो है वो इंक्रीज़ करनी है। इसी तरह मैंने कोमा प्रेस किया, वैल्यू 3 हाईलाइट हो गया। और इसी तरह हम अगर नंबर 3 पर कोई नंबर शो करवाना चाहते हैं तो उसी तरह हम उसको शो करवा सकते हैं। और मैंने 10% लिखा, लाइक इट क्लोज और इंटर। ये देखिए यहाँ पर इसको मैं परसेंट दे देता हूँ, ये देखें ये 3 था और 3 में हमने 10% असाइन करवाया था, तो यहाँ पर इसने 10% दे दिया। अगर इसको मैं ड्रैग करूँ, ये देखें अगर ये 1 है तो इसने इसको 20% जो है वो असाइन कर दिया। इतना ड्रैग करते रहेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये 3 है तो ये 10% इसने असाइन कर दिया कि भाई 10% की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होगी। ये मैंने आपको एक सिंपल सा यूज़ बताया, इसके बहुत सारे यूजेज हैं। मैं जब इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको दूसरे लॉजिकल कंडीशन के साथ चूज़ को कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसका एक एडवांस सेशन होगा तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर इसको मैं एक और ड्रैग करूँ तो ये देखें आप ये एरर देगा, क्योंकि ये 4 है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया जितने नंबर आप असाइन कराएंगे ये उतने ही रिजल्ट देगा। तो मैं यहाँ कोमा प्रेस करूँ और यहाँ पर मैं कर दूँ 5% और ये इंटर दबाया, तो ये देखें क्योंकि यहाँ 4 था तो इसने 5% दे दिया, और यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए इसने एरर दे दिया। तो इस तरह आप इसके चूज़ के फार्मूले से कुछ जी पिक करवा सकते हैं, कुछ चूज़ करवा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फार्मूले का बेसिक यूज़ है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉगर का लिंक भी है, उसमें भी आप विज़िट करके मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं एक्सेल के बारे में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।